गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आई होप आप भी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह सुबह आपने देखा ही, मैंने सारा काम कर लिया है, सारा तो क्या ही पर सफाई कर ली है। और राजमा मैंने शैम्पू भिगोने के लिए डाल दिए थे, अभी उसको बॉयल कर दिया है, चाय वगैरह पी लिया हमने। राजमा भी उबल चुके, देखते जरा वो उबले कि नहीं उबले। इसमें मैंने साथ में आलू भी डाल दिए थे, इसमें मैंने आलू और राजमा इकट्ठे डाल दिए थे ताकि ये इकट्ठे पक जाए। तो ये अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ। तड़का लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ, मैंने थोड़े से कपड़े धोने थे तो मैं वो डाल देती हूँ पहले भिगोने के लिए, फिर उसके बाद खाना बना लूंगी, फिर आराम से फिर बाद में कपड़े धो लूंगी, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है ना, सुबह सुबह इतनी गर्मी लग रही है इधर, जैसे बरसात का मौसम है ना, तो बुआल जैसा काफी ज्यादा हुआ है, मतलब गर्मी थोड़ी अजीब सी हो रही है। आलू को छील लेती हूँ, मैंने छिलके समेत डाला था इसमें आलू ना, अभी ये थोड़ा गर्म हो रहा है, छिलके निकालने पड़ेंगे मुझको। वैसे मैंने आलू अच्छे से धो के डाले हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही डाल दिए, क्योंकि धूल वगैरह होती है, तो मेरे को पता था कि जब राजमा पक जाएगी तो हाल है आपके, आपने डंडी तोड़ी थी इसकी। मेरे को पूतनी की तरह ले रहे हो आप। मैं आ गई हूँ नहा के, मैंने सारा काम भी अपना निपटा दिया लगभग। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको किचन टूर दे दूँ, क्योंकि काफी लोग जो है बोलते हैं कि किचन दिखाना अपना, मतलब जो पर्सनली मेरे को मिलते हैं कई बार, तो बोलते हैं कि आपका किचन अच्छा है। वैसे इतना बड़ा किचन नहीं है, छोटा सा है, लेकिन जो किचन की क्या बोलते हैं उसको फीचर्स है वो अच्छे हैं, मतलब फैसिलिटीज जो भी है सारी अवेलेबल है हमारे किचन में, ठीक है। तो मैं आपको आज किचन का टूर दूंगी, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। चल, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले से मेरा कि किचन दिखा दूं, बट मेरे को ध्यान आया कि काफी लोग बोलते हैं, तो इसलिए मैं कहा चल। तो सबसे पहले जो है हमारे किचन में डोर नहीं है, ये बस नॉर्मल है, क्योंकि छोटा सा किचन है तो इसमें डोर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सामने आपको दिख जाएगा, ये स्लैब है, यहाँ पे हमारा जो है गैस गर्म रखी हुई है, ये गैस है, तीन चूल्हे वाला गैस है हमारे पास। और यहाँ पे जो स्टैंड तवे के लिए और चकला बेलन, और ये है चाकू वाला पोर्शन, तो ये हमारी छोटी सी कुंडी है। बाकी ऊपर की तरफ आते तो यहाँ पे जो है चिमनी है, चिमनी के लिए यहाँ पे बॉक्स बना है जो अंदर होता है ना पाइप के लिए, ताकि वो सामने ना दिखे। ऐसे खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सारे हमारे छोटे छोटे डब्बे, वैसे हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया अच्छे से, ये तो मैंने ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ जैसा है नॉर्मली, क्योंकि हम कभी कभार आते तो इतना ज्यादा हम ज्यादा वो करके रखते नहीं है। यहाँ पे इंडक्शन है और छोटा सा स्लैब है एल टाइप में, और यहाँ पे सिंक है, ऊपर छोटा सा गीजर हमने लगाया हुआ है, ठंड में काफी जरूरत पड़ती है इसकी, ऐसे हम यूज नहीं करते। और यहाँ पे जो है बर्तनों की ट्रॉली है, और ये सारे इसमें हमारा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है हमने ऊपर तक, जैसा स्पेस था इसमें वैसे टाइप से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वैसे टाइप से। ये इतना बड़ा बॉक्स है, इसमें ऊपर वाले खाली है, थोड़ा थोड़ा बहुत रखा है सामान, और इसमें भी इसमें कुछ शादी के गिफ्ट्स वगैरह भी अभी तक ऐसे ही हमारे पड़े में,
और थोड़े बहुत बर्तन है जो, और यहाँ पे हम खाने पीने का छोटा मोटा चटर मटर रख लेते हैं क्योंकि जब हम आते हैं तो हमको जरूरत पड़ जाती है। और यहाँ पे घी वगैरह है, छोटे छोटे कांच के ग्लासेस हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, इधर जो है शुगर टी वगैरह हमने रखी है, मसाला दानी है। ये जो बॉक्सेस हैं टी शुगर कॉफी, कौन लाया था इसको? भैया ही लाया सारा सामान। तो ये हमने सामने नहीं, भैया ने स्पेशली लिया है। वैसे मैक्सिमम सामान जो है भैया की ही पसंद का है और भैया ने करवाया है। और तो ये वाला पोर्शन है ना, जो ये छोटा छोटी शेल्फ है, ये काफी यूजफुल है क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना बहुत होती है किचन में, जैसे छोटा छोटा मसाले वगैरह या कुछ भी, तो उसके लिए ये मेरे को काफी यूजफुल लगती है ये वाली शेल्फ, क्योंकि बड़े बॉक्सेस में तो हम बड़ा ही सामान रख सकते हैं। अब जैसे हमारे को फटाफट से यहाँ कुछ हम बना रहे हैं तो फटाफट से कुछ लेना है तो यहाँ से हम इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये हमने मंगवाया था, मीशो से मंगवाया था कि फ्लिपकार्ट से, ये अभी मंगाया हमने बाद में। इसमें हम छोटे मोटे जो भी हमारे होती है वो रख सकते हैं, और ये जैसे हम बर्तन धोते हैं तो उसके बाद यहाँ पे बर्तन रख देते हैं, ठीक है। फिर बाकी आप आ जाइए निचले वाले कॉर्नर में, तो यहाँ पे जो है स्प्लेंडर वाला पोर्शन है, इसमें हमने स्प्लेंडर रखा है और बाकी छोटी मोटी बैग्स वगैरह जो एक्स्ट्रा कैरी बैग्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पे ये है बर्तन है हमारे जो हम यूज नहीं करते, कभी कभी यूज में आते हैं वो वाले बर्तन रखे हुए इधर यहाँ पे भी। और बर्तन आप देखोगे ना, हर बर्तन है हर टाइप। ये वाले ग्लासेस है ना, अच्छे है ना, ये विजय ने दिए थे मेरे को गिफ्ट जब हम पहली बार नानी के घर गए थे, मैं और ये दोनों। उन्होंने विजय मेरे मामू का लड़का, तो उन्होंने ये गिफ्ट दिए थे, इसके साथ थालियां भी और कांसे की थालियां है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ग्लासेस हमें गिफ्ट में मिले और यहाँ पे बहुत सारी थालियां वैसे तो कांसे की, बट इसमें से दो थालियां जो है वो विजय ने हमारे गिफ्ट दी थी एज अ गिफ्ट। ये तो काफी सारी है कुछ, ये हो गया। और फिर इस पोर्शन में आ जाइए, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े बर्तन हैं, ये बड़ी सारी कढ़ाई, ये बड़े बर्तन ही कभी कभी हम यूज करते हैं जब ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाना होता है। यहाँ पे बड़ा कुकर है और अंदर यहाँ पे हमने वो वैसे यूज करने के लिए रखे थे, वो दूसरे वाले प्लेट्स वगैरह होते हैं ना, जो जरूरत नहीं पड़ी हमें अभी तक यूज करने की इसको, क्योंकि हम ना रहते ही नहीं है यहाँ पे। और ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे चावल आटा वगैरह रहता, और ये जो कॉर्नर है ना ये अंदर तक स्पेशियस है काफी ज्यादा। बाकी यहाँ पे तो ऐसे ही रहता है हमारा, जैसे एक्स्ट्रा जो विम बार वगैरह, और कभी कभार जब हम जानवरों के लिए आते हैं तो हमारा जैसे गाय को देने वाला जो सामान रहता है वो है, बस यही है। और छोटा सा यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, वैसे हम तीन चार लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा छोटा है। अभी इतना ज्यादा मैंने ना करा क्लीन, पर ऐसी अचानक से प्लान बन गया, ऐसे कोई बात नहीं अपनी है सारे। खाना लंच खा लिया मैंने और अब हम देख रहे हैं मूवी। मूवी का नाम क्या है? खिलाड़ी हाउस वाइफ। और सबसे फर्स्ट पे क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ। हम लोग रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए वापस, तो कुछ सामान है जो हमने यहाँ से लेके जाना है, भैया के कपड़े हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं क्योंकि शादी वगैरह है आगे से, तो वो चाहिए होती है हमें, तो वो घर पे ही रहती है, तो वो हम लेके जाएंगे। ताना में क्या के लिए जाना है ये तो, ये भी पता ही भैया का, यही बात है। छतरी है ना, कुर्ता पजामा अलग से है, इसी में डाल दो एक महीने, फिर निकालना ही है। ये ऐसा ना बोले कि मेरे कपड़े दिखा दो आपने, निकाल दो फिर ऐसा हो सकता है। आप भी नहीं जाना है फिर? कौन सा कुर्ता पजामा बोला है? व्हाइट वाला ना, उसने धोए है, धोने का कौन सा टाइम नहीं इसमें, ये धोए है हमने कुर्ता पजामा उसके। अपने ले जाने अपनी व्हाइट शर्ट, शादी के लिए काम आएगी ये। दाल उफ
गर्मी इतनी है ना, पसीने लथपथ हो गए हम। कुर्ता पजामा भी इसमें डालो। हाँ इसी में डाल दो ना एक, नहीं कुर्ता पजामा तो ले जाएंगे चाहे इसमें ही। इसमें जाना कौन सा है? होगी पैकिंग? मैं डाल देती, मेरा डाल दो पाउच। अगर ये ना हो ना तो मैं क्या बोलूँ कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। अभी छत पे झाड़ू देना है क्या? तो बैग हमारे पास एक ही, वैसे हमारे को लग रहा था कि हमारे पास बहुत कपड़े हो जाएंगे। नहीं ये थोड़ी सी ना गीली जैसी होती है इसलिए मैंने रखी है यहाँ पे। चलो उठाते हैं, और केले भी अंदर, वो भी ले जाने पड़ेंगे। आजकल ना केले भी ऐसे आए थे खराब खराब से। जाते जाते थोड़ा सा झाड़ू दे देती हूँ छत पे, क्योंकि बारिश की वजह से ना फिर ये नाले जैसे बंद हो जाते हैं। पहुंच चुके हैं घर पे, मतलब अपने रूम पे। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे जो मैं प्रेस कर रही थी। तो हमें टाइम हो गया था, 7 बज गए थे लगभग पहुंचने में। तो उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस करे, खाना वगैरह मम्मी ने बना के रखा हुआ था तो सिर्फ हमने खाना ही था। उसके बाद भैया भी आए थे, थोड़े से वो फ्रूट लेकर भी आए थे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।